देखता हूँ, मैं सिंह जी हूँ और अपनी तालिबान हैं मजबूत देखता हूँ, उनके परिवार का जो है ये बहुत चर्चा में रहेंगे। तो वो बात कर रहे हैं, अपनी बात खत्म कर दूँगा। अभी बहुत अच्छा रहे जी ने शांत कुमार बताए, संचालक जो अपनी बात बता रहे हैं और यहाँ वकील भी बैठे हैं, डॉक्टर कुमार के इंजीनियर सभी लोग बैठे हुए हैं, कोई ऐसी कोई इसमें से कोई चीज़ नहीं होती है। जब भगवान बुद्ध को हम पढ़ते हैं तो भगवान बुद्ध ने पूरे धम्मपद का निचोड़ पांच चीजों में दिया। आठ जो सील होते हैं, आठ प्रतिज्ञा, वो भक्ते के लिए होती है, हमारे लिए हमारे लिए पंच सील होता है केवल पांच, और पांच सील का पालन पूरी दुनिया के अंदर कोई भी आदमी तोड़ नहीं सकता। ज्यादा मन तो नहीं कहूँ, चोरी करोगे तो जेल होगी सर, चाहे मैं हूँ यहाँ पे बलात्कार करेंगे जेल जाएंगे, मैं हूँ यहाँ पे कोई भी व्यक्ति ऐसा है। तो भगवान बुद्ध को जब हम पढ़ते हैं और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें एक चीज स्पेशल निकल कर आती है जो मैंने अध्ययन करा, क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ और ना ही मैं कोई ऐसा कोई काम कर रहा हूँ कि दुनिया के अंदर मैं सबसे अलग हूँ, क्योंकि मेरा दिमाग कहीं हो रहा है। क्योंकि हमारा एक साथी जो है जो बहुत कर्मठ ईमानदार और बाबा साहब का रोमांस पढ़ाने वाले थे संजीव जी, उनकी विचार उनकी लेकिन भगवान बुद्ध है क्या? सबसे पहले तो जो व्यक्ति विपश्यना नहीं कर सकता, कम से कम तीन बार वो बुद्ध की अगर खोपड़ी का एक बार खोल दो तो उसे इतना ज्ञान नहीं, चाहे वो कितना भी बड़ा विद्वान है, जिसने विपश्यना तीन बार नहीं करी वो बुद्ध के बारे में कुछ नहीं जानता, कुछ भी तैयार। दूसरी बात, भगवान बुद्ध के जो पांच सील है उसमें एक सील आता सबसे बड़ा, और जैसे ही आप विपश्यना करने जाएंगे या दुनिया की किसी भी समस्या को आप किसी भी वकील के सामने बोलो डॉक्टर साहब वो क्या करते हैं, कम बोलो, विपश्यना में जाएंगे मोकन सबसे पहला काम होता है। तो जब भगवान बुद्ध का चौथा सील आता है कि मूसा वाला वेद हमें सिखाता समाज है, यानी कि दुनिया में जितने भी विवाद पैदा होते हैं पूरी दुनिया के अंदर तो सबसे पहले कहाँ से शुरू होते हैं, मुंह से। इसलिए मुंह बंद, और इतने शब्द बोलने चाहिए जिन शब्दों को हम पूरा कर सकते, हमें कोई मोटा मैसेज नहीं बनाना चाहिए, कभी भी नहीं बनाना चाहिए, कोई बड़ा काम नहीं है, क्योंकि भारत रत्न नहीं बना, टाइम टेबल का हिसाब पूरा रखना चाहिए, किसी आदमी का कहीं टाइम और भी लगा, इस तरह की विचार पोष्ट है तो विचार पोष्ट भी बनाए, धर्म देश में तो धर्म देश में, और जो भी आप लोग काम कर रहे हैं उसके लिए मैं साधुवाद देता हूँ। और मैं आप सब लोगों को बता दूँ क्योंकि आज से आज बहुत पावन दिन है और भगवान बुद्ध की जो हम किया था संसार पंचवर्गीय उसका आज दिन है, जिसे बोलते हैं चक्र प्रवर्तक संसार को, आज ही ये पंचशील का बांट दिया था जो पंचवर्गीय भिक्षु बोलते हैं भगवान बुद्ध ने, आज ही तो इसी में उन्होंने जो कहा वो क्या कहा उसका आधा लोग पालन करते हैं, आधे नहीं करते, इंडिया वाले को 5% करते हैं और विदेशी जो होते हैं वो 50%। भक्तों को कहा चरते भिक्का चरते भिक्का चरते भिक्का, यानी कि खाना खाओ और धम फैलाओ, खाना खाओ धम फैलाओ, रुकना नहीं है एक जगह, और वर्षा बाद खत्म, भक्तों को दान देना चाहिए, भक्तों से धम देशना लेनी चाहिए, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं समाज के अंदर जिनको हम ज्यादा यूट्यूब पर नहीं डाल सकते। अभी क्वेश्चन आ रहा था, बार बार हो रहा पूरे देश के अंदर बवाल हो रहा, आरएसएस 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 क्या बीमारी आ रही, हम दुश्मन का जबरदस्ती प्रचार करते हैं। 10 साल देश के प्रधानमंत्री बने होगा, आज तक उसने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, कोई भी स्पीच ठग दे किसी भी स्पीच को उसने किसी का नाम नहीं लिया, हमने जबरदस्ती उसका नाम लोगों के घरों में रखा है, जबरदस्ती जबरदस्ती, मतलब दुश्मन का प्रचार भी हम नाम ले रहे हैं, प्रचार ही तो करो, हम अपनी बुराइयों को कम नहीं करें। भगवान बुद्ध के चार सील हैं, मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा कि एक तो उन्होंने सबसे पहला अत दीपो भक्त, अत दीपो भक्त, दूसरा उन्होंने कहा समस्या है समस्या का कारण है कारण का निवारण, तीसरा एक सील उनका और आता है जिसमें भगवान बुद्ध से एक बार आनंद में पूछ जाता कि संसार में कितने प्रकार के लोग,
मान रूप में कहा संसार में चार प्रकार के पूरे किसी को कौन कौन से हैं, कि एक तो वो जो अंधेरे में पैदा हुआ और अंधेरे में मर गया, दूसरा वो जो अंधेरे में पैदा हुआ और रोशनी में जाकर मर गया, तीसरा वो जो रोशनी में पैदा हुआ है और अंधेरे में जाकर मर गया, और चौथे नंबर का वो जो रोशनी में पैदा हुआ और ज्यादा रोशनी में जा। तो इसमें कि सबसे श्रेष्ठ कौन है, कि सबसे श्रेष्ठ है दूसरे नंबर का चौथा, कि जो गरीबी में लाचारी में भुखमरी में जैसा भी वो पैदा हुआ लेकिन वो रोशनी के लिए तैयार है, वो सबसे श्रेष्ठ। दूसरे नंबर जो चौथे नंबर का वो ये हो गया कि जैसा आप सब लोग पढ़े लिखे व्यक्ति बैठे हैं, जैसे भी हम लोग यहाँ तक आए हैं इस स्थिति में, और आज अपने परिवार को बढ़ाने के लिए समाज को बढ़ाने के लिए प्रयास करें कि रोशनी में हम पैदा हो गए और इसे और बड़ी रोशनी बना गया है। यानी कि मैं वकील पैदा हुआ तो मैं अपने बेटे को बैरिस्टर बनाऊँ या और बड़ी डॉक्टर बनाया है, BBS बनाया तो मैं उससे बड़ी हूँ, या मैं BMS हूँ या मैं एक अनपढ़ आदमी हूँ मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊँ, तो छोटे नंबर पर भी। और बाकी सब लोग आप लोग विद्वान हैं, बाकी कभी शिक्षा चार की जाएगी क्योंकि विचार पूछ के अलग होकर हम देखना भूत बंदना का कार्य। नमो बुद्धाय, जय भीम, करके क्षमा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना आप लोग। तो अंतिम समय में आज डॉक्टर साहब।